हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो स्नैक्स, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए आप इसे हर हफ्ते बना करके खाना चाहेंगे। इतनी लाजवाब और टेस्टी बन के तैयार होगी ये। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और 1/2 टेबल स्पून कलौंजी। और इसके बाद हम इसमें लेंगे 2 चम्मच देसी घी, और घी डालने के बाद से हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। आप इसे जितने अच्छे से मिलाएंगे उतना ही ये खास्ता बन करके तैयार होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। यहाँ डो रेडी है, तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, और तब तक हम इसकी फिलिंग्स बना लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 उबले हुए आलू लिए हैं, और आलू को बारीक मैश कर देंगे। फिर हम इसमें ले रहे हैं चिली फ्लेक्स, अजवाइन, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा हम ले रहे हैं मिक्स मसाला, और थोड़ा हल्दी पाउडर, फिर स्वाद अनुसार नमक, 2 ग्रीन चिली, फिर हम लेंगे फ्रेश हरा धनिया, इसे बारीक काट लिया है मैंने। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 चम्मच मैदा। इससे क्या होगा कि आलू का जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें वरना इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हम कद्दूकस से इसे बारीक कद्दूकस कर लेंगे, और फिर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारी चटपटी सी फिलिंग बन करके रेडी है। तो अब हमने जो मैदा का डो लगा करके रखा था उसकी हम बड़ी सी लोई लेंगे, और हम इसे इतना बड़ा बेल लेंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा, बिल्कुल मीडियम है ये। और अब हमने जो फिलिंग तैयार करके रखा था उसको हम किनारे किनारे से 1/2 इंच छोड़ करके पूरा हम इसको मोटा लगा लेंगे। ये स्नैक्स बनाना बहुत ही आसान है, और आप इसे एक बार देख करके इसे बना लेंगे। मुझे यकीन है कि आप इसे ज़रूर बनाएंगे और एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हम यहाँ एक चाकू की हेल्प से हम इसे कटिंग करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक जैसे हम पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं ना, उस तरीके से इसे हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज़ एक नया रेसिपी देखने को मिलेगा। अब हम बहुत ही आसानी से हाथों को राउंड राउंड करते हुए एक सुंदर सा डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बस इसे साइड से थोड़ा सा उठाना है और इसे ऐसे राउंड राउंड शेप कर लेना है, और ये बन करके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ कितना जल्दी से बन करके ये तैयार हो जाता है, और बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। एक साथ 8 पोटैटो स्नैक्स बन करके तैयार हो जाएंगे। तो आप मेरे कहने पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और बना के खाने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके से हम सारे स्नैक्स बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए पहले से रखा हुआ था, तो अब हम एक एक करके डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे, और बीच बीच में इसे हम इस तरीके से पलटते रहेंगे ताकि ये किसी तरफ जले ना और कहीं से कच्चा ना रहे, इसलिए हम इसे लगातार पलटते रहेंगे। और जब ये चारों साइड अच्छे से पक जाएगा और एक अच्छा सुनहरा सा कलर आ जाएगा तो हम इसे बारी बारी से निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है, हम इसे अब निकाल लेंगे, और निकाल करके और अब बाकी के बचे स्नैक्स भी हम ऐसे ही तल लेंगे। तो लीजिए, रेडी हो गया हमारा पोटैटो स्नैक्स। अब आप इसे किसी भी सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फाइनली ये रहा हमारा पोटैटो स्नैक्स, जो देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है, और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो खाइए और इंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।